You can't go to mall. You can't tell the school. You can't tell the school. Can't wait for the school. मेरा नाम सहेल है, सहेल शेखी फ्रॉम हाजिन, खुमना बाराबाद। हमारे गांव का नाम है खुमना बाराबाद। जी हम, मेरा जो है, मेरी 6 तारीख को हम जमींदारी कर रहे हैं, जमीन पे थे। अच्छी तरह मम्मी ने खाना वाना अच्छी तरह लाया वहाँ पे, तो शाम को जब हम वहाँ से आए तो मैंने चाय वाय अच्छी से पी, तो मम्मा ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। जब 9:30 के करीबन मेरे दादा ने कॉल की थी उसको, तो अच्छी से बात की उसने। मैंने फिर मम्मा को बोला मैं पफी के घर जा रहा हूँ सोने के लिए, तो मैं वहाँ जाया तो फिर वहाँ मुझे सुबह 7 तारीख को मुझे पापा बुलाने आया है, मम्मा मर चुकी है। जब मैं वहाँ गया तो वो मर चुकी थी, फिर वो ड्रामा करने लगे कि वो जिंदा है। मैंने दादा को फोन किया, वो मम्मा मर चुकी है, फिर वो वहाँ पे ड्रामा करने लगे हैं कि वो जिंदा है, आपने उनको कॉल क्यों की। फिर वो ऐसे उनको हेडवन SMH हॉस्पिटल ले, फिर वहाँ पे मैंने उठाया, वो ड्राइवर वेवर बाहर से ही घूमने लगे, अंदर कोई नहीं आया। मैंने बेड पे मैंने खुद उसको उठाया, फिर बेड पे ले आया, फिर अंदर हॉस्पिटल में ले आया, फिर ECG के लिए अंदर ले आया मेरी माँ को। तो मुझे पापा ने बोला आप बाहर रहो, बल्कि वहाँ पे पापा भी अंदर गया और दूसरी उसकी कजन है वो भी वहाँ अंदर गई। मैं मुझे अंदर नहीं आने दिया, मुझे पता था ये डेथ थी, उन्होंने ECG की वहाँ पे वो डेथ थी ऑलरेडी, तो वहाँ पे वो ड्रामा करने लगे। इससे पहले भी कई वाका हुए, उसने उसको इससे पहले भी कई बार जहर दिया। इससे पहले भी एक केस हमारा चल रहा था बारामूला में, वुमेन सेल में। जी जी, अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस से कंप्लेंट दर्ज करें जी सर, मगर उतनी कार्रवाई तेज से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए सर। मैं अपील करना चाहता हूँ DC साहब से और SHO साहब से, इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। कितने दिन हुए कंप्लेंट करने? लगभग 5-6 दिन हो गए सर।